तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ, कुछ तो खा लो। बात मान लो मेरी। तुम वापस क्यों आ गए? तुमने मुझे क्यों बचाया? हाँ, मैंने वो तलवार देखी थी। कल रात में उस हमले का सपना देखा मैंने। तब मुझे समझ आया कि कल हमारे कमरे बदल गए थे। उन हमलावरों का निशाना तुम थी, मैं नहीं। मुझे क्यों मारना चाहेगा? ये परिवार मेरा कुछ नहीं लगता। परिवार मेरा कुछ नहीं लगता। भाई मुझे क्यों मारना चाहेगा? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों? 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 क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। सिर्फ एक एहसान वापस करने के लिए? मुझे अभी भी तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं वापस आया।
शुन हुआ। तुम्हारे जाने के बाद शुन हुआ वापिस आई। मैंने उसे यहाँ जो हुआ सब बता दिया। उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी, वो तुम्हें ढूंढने गई थी। अचानक से उस पर 8 सैनिकों ने हमला कर दिया। शुन हुआ, चिंता मत कर, मैं टियान वुशांग को मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। टियान वुशांग सिर्फ प्यादा है, हमारा भाई है जो ये आदेश दे रहा है। मैंने क्यूशी सेना को खत्म करने के लिए अपनी सेना भेजी है, लगता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं उसे ढूंढूंगी और उससे जाकर पूछूंगी। बहना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी क्यूशी सेना उसके लिए कुछ नहीं, वो ये बहुत पहले से चाहता था। अगर इसने मांगी होती तो मैंने पूरी आर्मी उसके हाथ में दे दी होती। मुझे मारना क्यों चाहता है? क्या ये परिवार हमारे लिए अब मायने नहीं रखता? तुम बहुत जिद्दी हो, एक शैतान नेक कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास एक ही तरीका है उसकी सेना से लड़ने का, राजा को मारकर खुद राजा बन जाओ। कभी नहीं। हमारे क्यों के लोगों को एक दूसरे से लड़ते मरते देखने से अच्छा मैं ही मरना पसंद करूंगी। अब मैं इसे कमांडर का सील देती हूं। रुक जाओ, राजकुमारी, राजकुमार, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों लियांग, क्या तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो? हमारी योजना के अनुसार तुम्हें आईवी की सेना में होना चाहिए था। क्यूशी सेना नायक का ओहदा लेने के बाद तुम और मैं राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। आखिर तुम हो कौन? राजकुमार महाराज का जासूस है, बाइलिंग। और तुम? मैं सिर्फ काम करती हूँ। तुमने उनकी योजना को तोड़ा है बार बार, तुम्हें क्या चाहिए? तुम नहीं चाहते कि क्यूलिंग का पूरी दुनिया पर अधिकार हो जाए? पूरी दुनिया पर अधिकार? उसके लिए इतने लोगों की कुर्बानी। क्यूलिंग, आपसे ये बात सुनना बड़े ही दुख की बात है। युद्ध के देवता, मैं उत्सुक हूँ कैसे मेरी बहन एक औरत ने इतने कम समय में तुम्हें एक हत्यारे से एक संत में बदल डाला। मुझे उसकी तारीफ करने में हिचकिचाहट नहीं है। अब मैं बात समझ रहा हूँ, ये युद्ध का पूरा प्रपंच तुमने और महाराज ने मिलकर बनाया था। राजकुमारी सही थी, मैं ही बेवकूफ था। मैं तुम्हारे सामने कुर्बानी के लिए आ गया। किसी सेना का नेतृत्व नहीं करूंगा और कभी दुश्मनों का साथ नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी को लेकर यहां से जा रहा हूं। चलिए राजकुमारी, चलिए। अब हमें क्या करना होगा राजकुमार? क्यूशी सेना को अभी तैयार करो।